नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसे वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरों को। देश में कोरोना के 24 घंटे में 301 मौत दर्ज, सक्रिय मामले 527 दिनों में सबसे कम। केरल में 5516 नए केस आए सामने। भारत में क्रिप्टो करेंसी को मिल सकता है गोल्ड और शेयर की तरह असेट का दर्जा, सेबी के हाथ में होगा कंट्रोल। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ऑफिस और चेयरमैन के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुरू हुई जांच। बिहार में वैक्सीनेशन के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टरों पर होगा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने रोकी सैलरी इंक्रीमेंट। दिल्ली में पॉल्यूशन पर केंद्र ने कहा 21 नवंबर के बाद सुधरेगी हवा की स्थिति, तब तक आदेश ना दे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली को लगाई फटकार, पूछा कब संजीदा होंगे आप। 5 स्टार होटल के एसी में बैठकर किसानों को दोष देना आसान, साल भर क्या करते हैं आप। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लगाई फटकार। प्रदूषण के मामले में चीफ जस्टिस ने दिया बड़ा बयान, कहा हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते, सरकार को करना होगा उपाय, टीवी डिबेट से नहीं निकलेगा हल। पोचमपल्ली बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, घर घर साड़ियों की बुनाई होने वाले गांव को मिला विशेष दर्जा। बिहार में सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्करों के लिए श्रम विभाग ने जारी की गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर गन्ना बेचने को मजबूर हुए किसान, अभी भी 3,895 करोड़ रुपए बकाया। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया पहला पोर्ट होटल, किराया केवल 999 रुपए, मिलेगी सारी सुविधाएं। सौरव गांगुली को आईसीसी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाएंगे क्रिकेट खेलने से जुड़े नियम और कानून। टेंशन में किसान, कई इलाकों में 20 नवंबर तक भारी बारिश का अनुमान, धान की फसल को होगा नुकसान। 1 जनवरी को बंगाल में मनाया जाएगा स्टूडेंट डे, 10,000 छात्रों को मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने मारे महाराष्ट्र के जलगांव, धुले, सलवड़ में छापे, कई लोग हिरासत में। राजधानी दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक, सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू। पंजाब में भारत की सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने 20 राउंड फायरिंग कर खदेड़ा, इलाके में तलाशी अभियान जारी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमत को नहीं किया गया कंट्रोल, तो 10-50% तक महंगे हो जाएंगे घर, क्रेडाई। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर तकरार, तलाशी के दौरान गलत तरीके से महिलाओं को छूने के टीएमसी के आरोप को बीएसएफ ने बताया दुर्भाग्यजनक। बिहार में सीबीआई कोर्ट के आदेश से बड़ी लालू की मुश्किलें, चारा घोटाले मामले में पटना की कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहने का आदेश। महाराष्ट्र में बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से मंदिर में जाकर कर पाएंगे शिरडी साईं बाबा के दर्शन, भक्तों की लिमिट भी बढ़ी। बंगाल में बीजेपी को फिर लगा तगड़ा झटका, पूर्व एमएलए परवीर घोषाल हुए बागी, टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में लेख लिखकर गिनाई कमियां। कंगना रनौत को शिवसेना सांसद संजय राउत का जवाब, चीन सीमा के अंदर घुसा जा रहा है, मोदी सरकार दूसरा गाल हाजिर कर रही। पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा, कहा पराली जलाने पर रोक के लिए केंद्र से नहीं मिली मदद, की थी मुआवजे की मांग। चीन ने दी ताइवान पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी, सी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा जो भी आग से खेलेगा वह जल जाएगा। अमेरिका के वरिष्ठ सांसद का दावा, भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा चीन, पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा भी।
कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के अंतर को कम करे केंद्र सरकार, तभी वैक्सीनेशन की बढ़ेगी रफ्तार, महाराष्ट्र सरकार ने लगाई गुहार। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण से निपटने को कार पुलिंग लागू किया जाएगा। पंजाब में 32 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की पंजाब की मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, फसल की मुआवजे समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रिटायर्ड जज राकेश जैन की निगरानी में होगी लखीमपुर हिंसा मामले की जांच, एसआईटी टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी शामिल। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने का मोहन भागवत का निर्देश, 2024 तक संगठन विस्तार पर जोर। प्याज की कीमतों में आई भारी गिरावट, दाम गिरकर 90 रुपए प्रति क्विंटल पर आए, किसानों की चिंता बढ़ी। भारत और फ्रांस ने लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों के खतरों पर चर्चा की, काउंटर टेररिज्म पर सूचना साझा करने पर जताई सहमति। यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को देते रहेंगे जवाब। गुजरात के अहमदाबाद में फुटपाथ पर नॉनवेज खाना बेचने पर पाबंदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पाटिल बोले नहीं हटाए जाएंगे ठेले। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने थामा एनसीपी का दामन, शरद पवार की मौजूदगी में हुए पार्टी में शामिल। नई शिक्षा नीति के तहत आईआईटी शुरू करेगा 8 साल का कोर्स, सर्टिफिकेट से लेकर पीएचडी तक मिलेगी डिग्री। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य में उपचुनाव में पार्टी को लगा तगड़ा झटका, हाईकमान ने मांगी रिपोर्ट, सत्ता और संगठन में हो सकता है फेरबदल। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को कोरोना वैक्सीन लगवाने में सलमान खान की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बोले मुसलमानों में है झिझक। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद गुट के कई नेताओं ने सौंपा इस्तीफा। बिहार में शराबबंदी पर एक्शन में सरकार, मद्य निषेध दिवस पर अधिकारी कर्मचारी शराब नहीं पीने और पीने नहीं देने की लेंगे शपथ। भारत में साइबर अटैक से हजारों रुपए गंवा रहे ऑनलाइन गेमर्स, 80% से ज्यादा गेम खेलने वालों ने झेला पैसों का नुकसान। मध्य प्रदेश में अब घर तक पहुंचेगा राशन, सीएम शिवराज ने की योजना शुरू, 79 आदिवासी बहुल ब्लॉकों को मिलेगी सुविधा। विमान में बीमार मरीज को केंद्रीय मंत्री ने दिया फर्स्ट एड, पीएम मोदी ने की सराहना, बोली ये बात। गुरु पर्व से पहले सिखों की मोदी सरकार को सौगात, आज से खुला करतारपुर कॉरिडोर। देश में पहली बार फुली वैक्सीनेट, लोगों की संख्या सिंगल डोज लेने वालों से पार, अब तक 38,07,000 लोगों को लगी दोनों डोज। दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की एंट्री पर बैन, स्कूल कॉलेज बंद, आपात बैठक के बाद लगे कई प्रतिबंध। राजधानी में जहरीली हवा का कहर जारी, दिल्ली और एनसीआर के आसपास की स्कूल कॉलेज बंद, ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम, AQI पहुंचा 379। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।